नमस्कार, मैं मनीषा तिवारी। आप देख रहे हैं जीएम न्यूज। वक्त हो चला आज के दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए 5 सख्त कदम उठाने का लिया निर्णय। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली सचिवालय में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए काम कर रहे सभी विभागों के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इसके बाद दिल्ली सरकार ने 5 बड़े कदम उठाने का किया फैसला। दिल्ली में यमुना घाट पर छठ मनाने पर लगी रोक को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज। हाईकोर्ट ने कहा कि DDMA का ये आदेश अचानक नहीं आया। याचिकाकर्ता के पास मौका था कि वह दिल्ली में अपनी बात रखते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। छठ के महापर्व पर यमुना की लहरों पर जहरीले केमिकल और झाग की तस्वीरें सामने आने के बाद दिल्ली सरकार पर यमुना की सफाई के दावों को लेकर खड़े हुए कई सवाल। दिल्ली सरकार इसके लिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। दिल्ली सरकार का कहना है कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार यमुना में गंदा पानी छोड़ रही है। उधर भाजपा ने इसके लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। तमिलनाडु में मौत बनकर बरस रहे हैं बादल। भारी बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 12 लोगों की हो चुकी है मौत। खतरे को देखते हुए NDRF की 11 टीमों को अलग अलग इलाकों में किया गया तैनात। कई जिलों में रेड अलर्ट जारी। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका। सीएम चन्नी और सिद्धू की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी की युवा नेता और विधायक रुपिंदर कौर रूबी कांग्रेस में हुए शामिल। उत्तर प्रदेश के देवरिया में छठ पूजा के लिए नई साड़ी खरीदने की बात एक व्यक्ति को इतनी नागवार लगी कि उसने अपने पिता की लाइसेंस बंदूक से पत्नी की गोली मारकर हत्या कर डाली। वारदात की सूचना पर थाना अध्यक्ष और SP घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेते हुए बंदूक को कर लिया जब्त। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में भारत की पाकिस्तान से हार पर विराट कोहली की बेटी के लिए अपशब्द कहने वाले के खिलाफ मुंबई पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। मुंबई पुलिस ने हैदराबाद से किया आरोपी शख्स को गिरफ्तार। मुंबई की RA पुलिस ने 4 शातिर ऑटो रिक्शा चोरों को किया गिरफ्तार। पार्किंग में खड़ी ऑटो रिक्शा की चोरी कर वसूलता था रोजाना 300 रुपए। RA पुलिस ने नाला सोपारा अंधेरी गोरेगांव के इलाके से अब तक 6 ऑटो रिक्शा जब्त कर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती हुई आ रही है नजर। पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के खिलाफ आज कोर्ट ने 3रा गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि परमवीर सिंह के खिलाफ रंगदारी के मामले में एक और गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। यह ताजा वारंट मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस थाने में दर्ज एक्सट्रॉशन केस में जारी किया गया है। शिवसेना सांसद संजय रावत ने BJP पर लगाया गंभीर आरोप। कहा भारतीय जनता पार्टी के लोग ST कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं और ST कार्यकर्ताओं को भड़का रहे हैं। शिवसेना का जन्म मजदूर वर्ग में हुआ है, इसीलिए हमें बताने की जरूरत नहीं है कि कार्यकर्ताओं के संबंध में हमारी स्थिति गलत है। यदि आपके दिन भर की 10 बड़ी खबरें, इस तरह खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे चैनल के साथ।